okay welcome back children to the second part of the chapter the name of the chapter is computer keyboard as i taught you in the last videos that there are three number keys sorry there are three keys the first one is a alphabet second one is a keyboard and the third one is a special keys so as i taught you in the last video that alphabet keys have uh, a keyboard has 26 alphabet keys 10 number keys, and we can use these keys to type a numbers or to make a letter to type a letter, words, or a sentences on the computer. Okay. Now, today we are going to learn about some special keys. What is spe what are these keys and how it is used on the computer and what are the uses of these keys? Okay, so let's get started. so we can start from the first that today's topic is about the special keys so start reading let us learn about some special keys that are commonly used commonly used का मतलब होता है कि ये वो keys हैं जो हम लोग commonly यानि कि common तरीके से कभी भी use करते हैं common common use होता है वो ठीक है that is very common तो वो कौन कौन सी keys होती है space bar key आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्पेस बार की स्पेस बार स्पेस देने के लिए जो की यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्पेस बार कीज ठीक है जब भी आप लेटर्स लिखो कोई वर्ड लिख रहे हो या कोई सेंटेंस लिख रहे हो कुछ भी आप लिख रहे हो कुछ भी टाइप कर रहे हो तो जब आप टाइप करोगे तो आपको लेटर्स के बीच में कुछ स्पेस देना होगा ठीक है आपको सेंटेंसेस के बीच में स्पेस देना होगा तो वो स्पेस आप किसके थ्रू से दोगे किसकी हेल्प से इसी की की हेल्प से यानी कि स्पेस बार की, की हेल्प से ठीक है द स्पेस बार की इज यूज टू एड ब्लैंक द लेटर्स वर्ड्स और क्या करती हैं दो लेटर्स या फिर दो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस के बीच में स्पेस देने का काम करती हैं ठीक है उनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देती है ठीक है ओके okay, सो so, you can see on the keyboard there is a long longest key of a keyboard is known as a space bar key ये इसकी एक पहचान है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये space bar key है तो space bar key हमेशा keyboard में सबसे longest key जिस जो होती है उसी को कहते हैं space bar key ठीक है so if we type the name given on the left सी हाउ इट लुक्स विदाउट अ स्पेस ओके ये दो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने दिया हुआ है ठीक है अब इन दोनों स्क्रीन पे स्पेस बार का यूज़ करके बताया गया है कि कैसे अगर आप स्पेस बार यूज़ नहीं करोगे तो कैसे लेटर शो होगा कैसे आपको सेंटेंस दिखेंगे और अगर आप स्पेस बार दोगे तो कैसे आपको दिखेगा ठीक है तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ये लेफ़्ट साइड वाले कंप्यूटर पे आप स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रिया भाटिया ठीक है लेकिन रिया भाटिया के बीच में रिया और भाटिया के बीच में कोई गैप नहीं है यानी कि कोई स्पेस नहीं है तो वो पढ़ने में भी बहुत अजीब लग रहा है और देखने में भी ठीक है वहीं राइट साइड अगर हम रिया के बाद बीच में स्पेस दे दें और फिर हम उसका सरनेम यानी कि भाटिया लिखें तो आपको ये देखने को लग मिल रहा होगा कि कितना क्लियर और साफ़ लिखा हुआ है और आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो ये यूज़ हो इसका यूज किस मतलब ये जो आ, आपको ईजी और आ, ऐसे दिख रहा है ये कि किसकी वजह से दिख रहा है स्पेस बार की वजह से ठीक है स्पेस बार की यूज करके हम लोग ऐसे साफ और बिल्कुल क्लियर लिख सकते हैं ताकि पढ़ने में भी इजी हो और देखने में भी अच्छा लगे ठीक है नाउ इफ वी प्रेस द स्पेस बार की आफ्टर द रिया एंड द नेम विल अपीयर एज शोन ऑन द राइट साइड अब उसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो वो पूरा अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो बहुत मैसी सा और बहुत आ, मतलब बहुत ही अजीब सा लगेगा कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है क्योंकि स्पेस ही नहीं है लेटर्स और वर्ड्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा बट अगर आप स्पेस दे दोगे तो वो एकदम क्लियर और ये आपको पढ़ने में भी ईजी हेल्प करता है ठीक है तो स्पेस बार का काम ये होता है तो एज़ आई टोल टॉट यू और आई टोल्ड यू ऑल्सो दैट स्पेस बार की इज़ अ लॉन्गेस्ट की इन द की ठीक है आप लोग समझ जाएंगे आप सभी ने की देखे होंगे कंप्यूटर लैब में अपने स्कूल में या जिनके घरों में कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं कि कंप्यूटर में एक लंबी सी और लॉन्गेस्ट की होती है उसे हम स्पेस बार कहते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट वन इज़ अ एंटर की एंटर की क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी कैन सी एवरी हैव सीन दैट देर आर थ्री बटन्स आर गिवन तीन तरीके की इंटर की आपको मिलती हैं आपके कंप्यूटर्स पे कीबोर्ड्स पे ठीक है एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक कुछ ऐसे होता है तो ये तीन तरीके की इंटर की आपको मिलती है कीबोर्ड पे ठीक है अब इंटर की का क्या यूज़ है वाई वी कैन यूज दिस इंटर की वट आर द यूज ऑफ दिस ओके, सो द इंटर की इज यूज टू मूव द लाइन, सपोज आपने कुछ लेटर लिखा कोई एक लेटर लिख रहे हो या फिर कोई सेंटेंस लिख रहे हो ठीक है अगर आपने सेंटेंस लिखा एक लाइन में कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में आना है तो आप कैसे आओगे प्रेस दैट इंटर की जैसे आपने इस एंटर की को प्रेस किया आपका जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा और जहाँ वो कर्सर होगा वहीं से अगेन आप लिखना स्टार्ट करोगे अगेन आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो वो वहीं से आपके स्क्रीन पर लिख जाएगा ठीक है तो इंटर की का यूज किस लिए होता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कराने के लिए ओके अ कीबोर्ड हैज टू इंटर कीज कीबोर्ड के पास दो तरीके की कीज होती हैं दिस केस कम इन अ डिफरेंट शेप्स अब ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आती हैं ठीक है होती दो है, हैं बट आती डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है किसी में हॉरिजोनटल होगा किसी में वर्टिकल किसी में ऐसा इट डजेंट मैटर बट वहाँ पे क्या होता है कि तीन तरीके सॉरी एक कीबोर्ड में दो ही इंटर की होती हैं टेन नंबर कीज़ होते हैं ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाब कीज होते हैं है, और स्पेस बार एक होता है एंटर की टू होती हैं ठीक है एंड द नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की ठीक है बैक स्पेस की अब बैक स्पेस की का यूज किस लिए करते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द स्पेस बार की एंड द एंटर की दीज आर टू कीज आर स्पेशल फॉर अ कंप्यूटर ठीक है इन्हें हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं कॉमन यूज़ से आप ये चीज़ समझ तो गए ही होंगे तो ये कॉमन क्यों है क्योंकि स्पेस बार हमें स्पेस देना ही देना होता है हर लेटर्स के बाद अगर आप कॉपी में भी लिखते हो तो एक लेटर के बाद थोड़ा सा गैप करते हो फिर नेक्स्ट लेटर लिखते हो वैसे ही कंप्यूटर में भी है जब आप एक लिखोगे उसके बाद आप स्पेस दोगे तो वो किसकी हेल्प से दोगे स्पेस बार की इसलिए वहाँ पे स्पेस बार की दिया हुआ है दूसरी चीज़ एंटर की अगर आप कोई चीज़ लिखते हो तो आपको एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन में लिखना है फिर तीसरी लाइन में फिर ऐसे करके आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो तो जब आप पहला ख़त्म करोगे दूसरे पे कैसे आओगे एंटर की प्रेस करके इसीलिए वहां पे एंटर की दिया हुआ है कि एंटर की की यूज़ आप किस लिए करोगे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए तो ये भी बहुत कॉमन चीज़ है इसलिए इन्हें हम कहते हैं कॉमनली यूज्ड ठीक है सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे and keep steady if you have find any queries then contact anytime and ask frequently thank you